Preview. आज यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर युवा स्वयं पार्टी की हमने स्थापना की है। यहाँ पे हमारे मंडलिक साहब युवा स्वयं पार्टी के जिला अध्यक्ष है, हमारे बिंद्रा जी ये युवा स्वयं पार्टी के शहर अध्यक्ष है, और हमारे संजय जी भतकड़े ये ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष है। और यहाँ पे युवा स्वयं पार्टी के माध्यम से किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की समस्या के लिए हमारी युवा स्वयं पार्टी यहाँ पे काम करेंगी। जहाँ पे आज किसानों की हालत इतनी ख़राब है महाराष्ट्र में कि पूरा कपास चले गए, सोयाबीन चले गए, तूर चले गए, मूंग चले गए, अभी आने वाले समय में कोई भी फसल किसानों के हाथ में आ नहीं रही है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान यहाँ पे रो रहे हैं, पीड़ित है, दिवाली उनके अंधेरे में जा रही है, पर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री मातोश्री के अंदर नींद ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद के आजू बाजू के तालुके में, महाराष्ट्र में सभी जगहों जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम किसानों के बांध पे जाके, धुरे पे जाके उनकी समस्या छुड़ाएंगे, उनको दिलासा देंगे, उनको मदद करेंगे, पर आज कहीं भी गए साल भर से मुख्यमंत्री मातोश्री से बाहर निकले नहीं है। इसलिए आज सभी किसानों की दिवाली अंधेरे में, बेरोजगारी की दिवाली अंधेरे में, और इलेक्ट्रिक बिल जो अनाप शनाप ये लॉकडाउन के पीरियड में जो अनाप शनाप बिल राज्य सरकार ने दिया है, वो भी इलेक्ट्रिक बिल सबका आधा माफ होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं राज्यपाल को भी मिला, चीफ सेक्रेटरी को मिला, मुख्यमंत्री को निवेदन दिया, पर मेरे मुझसे मांग थी कि जिस पद्धति से दिवाली सामने है, दिवाली किसानों के अंधेरे पे नहीं जाना चाहिए, पर आज 10,000 रुपये हेक्टर का उन्होंने जो पैकेज दिया वो भी आज किसानों के खाते में पहुंचा नहीं। हमारी मांग है 50,000 रुपये हेक्टर किसानों को नुकसान भरपाई मिलना चाहिए, और इलेक्ट्रिक बिल या आधा माफ होना चाहिए। और यहाँ पे आज परिस्थिति ऐसी है, दिवाली 2 दिन पे है, पर अभी तक फूटी कौड़ी भी मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों के खाते में गई नहीं। इसलिए मातोश्री मस्त है और किसान महाराष्ट्र का त्रस्त है, ये परिस्थिति महाराष्ट्र की हुई है। और मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री का निषेध करता हूँ, और टाइम आया अमरावती में जिस तरह से आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होगा, टाइम आया तो मातोश्री पे जाके भी आंदोलन करेंगे। ऐसी हमारी युवा स्वयं पार्टी की पूरी ताकत से हम लोग भिड़े, और महाराष्ट्र में खासदार नवनीत राणा भी जिले में, तालुके में जाने वाले, और किसानों के लिए अगर आने वाले पीरियड में न्याय नहीं दिया मुख्यमंत्री ने, तो मातोश्री के सामने भी नवनीत राणा आंदोलन करेंगी, ये हमारी भूमिका है।